मेरे घर वाले मेरी सगाई के बाद चला रहे थे. मेरे दादाजी ने बोला कि मैं तब तक जिंदा हूँ तब अभी तक मैं आपके जल्दी से जल्दी साथ दे जाए तो ठीक रहेगा. और मेरे माता पिता ऐसे चर्चा कर रहे थे, फिर मेरे को पता चला कि हमारी सगाई की बात हो रही. ऐसे सोचते हैं साहब, 18 साल बहुत महंगा पड़ता है. यहाँ गाँव में लड़कियाँ हैं जो भाग जाती है. मैंने मेरी माँ से कहा कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ और नौकरी लगना चाहती हूँ, फिर शादी करूँगी. मेरी शादी मत करो. फिर मेरी माँ ने मेरे पिताजी से कहा कि बच्ची मना कर रही है, ये पढ़ना चाहती है, इसके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे. बुरा तो लग जाना है क्योंकि मन शादी जल्दी कर दी मारे माँ बाप तो मो अधूरी रहेगी. आगे कोई काम न कर सकी, कोई भविष्य सुधार न सकी. तो भाई अब औलाद आगे अपना नाम रोशन कर दे. शादी न होती तो कहीं और कुछ, कहीं पढ़ाई लिखाई करता, सर्विस वर्विस को सुकून हुआ. कोई भाई नरा सपना रहे, वह अधूरा रहे. मतलब कहीं नौकरी सर्विस मिल जाती तो बढ़िया ही होना. उनको शायद मैं जिंदा हूँ जितना कर दूँ ये चाहते थे. वो कोई मैं तो या तो मालूम था भाई उम्र कम है लेकिन उनको चल जाओगी. इसके आधे दिन तक मैं ये जो कहते थे मैं वो मानती थी. और इन्होंने जब भी शादी की बात चलाई और मैंने मना कर दिया, फिर दादाजी सोचते होंगे कि पहले तो कभी हमारे हर बात मान लेती है, अब ये मना कर रही है शादी के लिए, इसलिए मैं घबरा गई. फिर मैंने मना किया दिया कि तू भी जिंदा है, बाद में भी हो जाएगी शादी और तू भी मरने का नाम मत लिया कर. मैंने बड़ा बड़ा किया, मैं किया इनको बड़ा, इसलिए मेरे मन में थी ये बात ही साहब, और कुछ नहीं था. फिर मना हो गया तो मैं मना कर जाऊँ ठीक है. हाँ भाई लगाना हो तो भाई छोटी उम्र में ऐसा अच्छा नहीं है, ऐसा काम करना बढ़िया नहीं है. शरीर बर्बाद हो जाए, छोटी उम्र बच्चा बच्ची हो गया तो मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी, पढ़ाई लिखाई बर्बाद होगी, हर चीज़ से दुखी हो गया. कोई आगे कोई सपना देखा जो वह सपना पूरा न कर सकिया. मेरे गांव में जो चर्चा होती है और मेरे दादाजी तो उधर जाते हैं तो गांव वाले कहते हैं कि हमारे बच्चे की शादी भी 18 साल पूरे होने के बाद ही करेंगे, पहले पढ़ाएंगे. और इनको जब ये खबर मिलती है तो ये मेरे को बताते हैं कि तुम्हारी तरह गांव वाले बोल रहे हैं कि उस लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया और हमारे बच्चियों की भी शादी हम 18 साल पूरे होने के बाद ही करेंगे, पहले नहीं पढ़ाएंगे. समझाऊंगी मेरे आस पड़ोस में जो छोटे बच्चों की शादी करेंगे उनको, उनके माता पिता को कहूंगी कि छोटी उम्र में विवाह करना कानूनी अपराध है और इनको पढ़ाओ और इनकी ज़िंदगी बन जाएगी और जीवन में सुखी पाएगी. अभी नहीं है मैडम अभी तो सही तो मैं वना मोसी करी ना तो भाई क्यों फटनो लिखनो कौन है जो रद्दी माल में भेज दी वाला.